तो दिस वीडियो शोज दैट मास पे डिपेंड नहीं करती ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी जो है वो मास पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो मास पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो इसको पॉइंट में लिखेंगे, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी is independent of the mass of the object. The acceleration due to gravity is independent of the mass of the object. ठीक है, अगला स्टार पॉइंट। बच्चे पता है एक चीज में और कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चों को बोलो व्हाट इज वैक्यूम। अच्छा, व्हाट इज वैक्यूम, इट इज, डज इट मीन ग्रेविटी फ्री स्पेस? वैक्यूम का मतलब ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है ना, यस नो? नो है ना, नो। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होती है वैक्यूम में। वैक्यूम डज नॉट मीन ग्रेविटी फ्री स्पेस, इट मीन्स एयर फ्री स्पेस, यस, ठीक है, जहां पे एयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं, ठीक है। तो ये लिख लो वैक्यूम, अब लिख लो वैक्यूम डज नॉट मीन ग्रेविटी फ्री स्पेस। वैक्यूम इज डज नॉट मीन ग्रेविटी फ्री स्पेस, एक्चुअली वैक्यूम इज एयर फ्री स्पेस। सर, फिर वैक्यूम में ग्रेविटी फोर्स लगती है? ऑब्वियसली, तब ये देखो यहाँ पे जो वीडियो हमने देखी इसमें वैक्यूम था, सो अगर इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग नहीं रही होती तो बॉल नीचे कैसे आती? यस सर, ना वो तो वहीं लटक जाती ना, इसलिए ग्रेविटी तो लग रही है, बट वैक्यूम में हवा हवा नहीं है, उन्होंने सारी हवा निकाल दी उस चेम्बर में से, जिसकी वजह से फेदर्स थे उस पे एयर रेजिस्टेंस नहीं लगी, तो इसलिए दोनों इकट्ठे गिरे बिल्कुल नीचे, राइट? ओके, चलो ये लिख लिया हमने, ये कल भी करना था डिस्कस, चलो ठीक है। अभी वी विल मूव टू द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिखवा रहा था। हाँ अनुप्रीत, वो वीडियो स्लो मोशन में थी। नमन, वेदर वी हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस सर? यस, यू हैव टू राइट दीज क्वेश्चंस इन द नोट्स, नोट्स कॉपी में। ये क्वेश्चन जो हम क्लास में लिखेंगे वो आपकी थियरी वाली कॉपी में होने चाहिए, ठीक है? ओके, द क्वेश्चन इज, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 meters, from a height of 5 meters, find number one. बच्चों, no one will speak the answer, ठीक है? आप लोगों ने जिसको आंसर देना है you have to type in the chat box. Find number one, time taken to reach the ground. abhi mat type karo, uska dusra part bhi hai, dono answers ikatthe bhejna, send both the answers together. Dusra part hai velocity on reaching the ground. Yeah, velocity with which it strikes the ground. Sir, please repeat. Do cheeze find karni hai. Find the time to reach the ground and velocity with which it hits the ground. Urva,
मेरे ना कनेक्शन प्रॉब्लम है। पूर्वा माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल। आ रही है अभी आवाज या नहीं आ रही? अगर नहीं आ रही होगी इसको कैसे पता लगेगा? नहीं मैं बोल रहा हूँ कुछ। आपको जी जो है वो ओके आ रही है, ठीक है। जी जो है इंटेलिजेंटली लेना है 9.8 या 10। मैं नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा क्या लेने हैं, ठीक है। अभी खुद दिमाग लगाओ और खुद लो अभी, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। ओके आंसर्स, ओके मिनट एक मिनट, आंसर्स की बारिश आ गई। वन आर्यन सही आंसर, मिलन आंसर। मुझे आंसर्स जो चाहिए वो विद साइंस चाहिए। मिलन दोबारा बताओ, तरुण दोबारा बताओ। नंबर मैं जिसके जिसने एक आंसर भेजा वो नहीं देख रहा मैं भाई, इकट्ठे भेजो। जयंत दोबारा बताओ, तरुण चाहिए, अर्शिया दोबारा आंसर इकट्ठे भेजो, मुस्कान दोबारा बताओ, गुरकर्मन सही है, ओके तरुण, अर्शिया, लॉस्टी दोबारा, अर्शिया, नमन गोयल दोबारा, प्रबल गुड सही है, अक्षिता आंसर सही है, विलोस्टी, जोरावर ठीक है चलो मान लिया, गौरी गौरी विलोस्टी दोबारा बताओ, नमन ठीक है, जागृति विलोस्टी, जागृति का टाइम ठीक है, अक्षिता विलोस्टी दोबारा बताओ। एक्चुअली आंसर्स बहुत ज्यादा हो गए। यस 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 मंथन गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, नाहिद आंसर में साइन गड़बड़, तरुण, देवशी आंसर सही है, मेरा तो ओके मैक्सिम जनता का आंसर जो है वो मान सकते हैं सही, बट एक्चुअली में आंसर जो है वो मैं नहीं मानूंगा सही, क्योंकि आप लोगों ने आंसर में वेलोसिटी का साइन जो है वो पॉजिटिव लिया, बट इट विल बी नेगेटिव। वो गलती लिख दिया सर, मैं जल्दी-जल्दी में सर वो नेगेटिव ही लिख दिया बाद में, मैंने चैट अगले हां नहीं एक्चुअली चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स आ जाते हैं, तो इसलिए मैं उन लोगों को बोलता हूं एक ही बार टाइप करो आंसर, ठीक है इकट्ठा ही। तो ओके ग्रेट, तो आंसर्स ऑलमोस्ट वैसे सबके मान लिए जाते हैं सही, बट नेक्स्ट टाइम ये माइनस और प्लस वाली गड़बड़ नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ठीक है, बॉडी को पहले सबसे पहला काम हमारा फोटो बनाने का होता है, ठीक है। तो एक देखेंगे बच्चों कैसे करना है हमें, सबसे पहला काम फोटो बनाएंगे बॉडी, ये ग्राउंड कितनी हाइट से फेंका, 5 मीटर की हाइट से, इसका ड्रॉप्ड है तो यू क्या लेंगे, जीरो लेंगे, ठीक है। ये हाइट हमें दे रखी है 5 मीटर, बस ये अपना डेटा दे रखा है। अपने को फाइंड क्या करना है, एक वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक टाइम करना है। टाइम का फॉर्मूला डाउनवर्ड मोशन में सीधा लगा सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला रूट ऑफ 2h/g, तो सीधा लगाएंगे रूट ऑफ 2 × हाइट 5 × g है 10, तो ये आ गया 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे अब बच्चों यहाँ पे माइनस मत डालेंगे या क्या, तीन नेगेटिव नहीं लेंगे, वही मैं बोल रहा था अभी, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे माइनस मत डालना। और दूसरी बात, जी नेगेटिव नहीं होता, मैंने कल भी बताया था एक्सेलरेशन माइनस जी होता है, मतलब माइनस टेन, जी की वैल्यू माइनस टेन नहीं होती ना, जी की वैल्यू तो प्लस ही लिया मैंने, ठीक है। और दूसरी चीज, आप लोग में से कुछ ये भी बोल सकते हैं, बोला नहीं है किसी ने कि एच भी तो माइनस लेंगे नीचे को जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम ऑलरेडी साइन कन्वेंशन डाल के इस फॉर्मूले पे पहुंचे थे, याद है तुम लोगों को, हमने जब ये फॉर्मूला डिराइव किया था तो यहाँ पे हम ऑलरेडी डाल के देखो, एस की वैल्यू ऑलरेडी हमने माइनस एच डाली थी, एक्सेलरेशन की वैल्यू ऑलरेडी हमने माइनस जी डाली थी, तभी हमारे पास ये फॉर्मूला आया था। अब दोबारा नहीं डालना माइनस, ठीक है ओके
अगर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है तो आप साइन कन्वेंशन यूज करोगे, इसमें नहीं। तो सीधा फॉर्मूला लगाओ, सीधा वैल्यू डालो। अब दूसरा वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी के लिए कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं था, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। फ्रॉम ए टू बी, बॉडी यहां तक पहुंची, ए टू बी, तो ए टू बी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, बी इज इक्वल टू यू। कौन सी लगेगी? पहली लगेगी बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैंने पूछा नहीं, चलो मैंने बता दिया, चलो सीधा सही है, कोई नहीं। अच्छा कौन है मेरे को, अर्शिया? यस सर। बताओ वैल्यूज डालो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में। v इज इक्वल्स टू जीरो प्लस माइनस ब्रैकेट में माइनस टेन इनटू वन। ठीक है, तो v मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू माइनस टेन। ठीक है, अब बच्चों एक कंफ्यूजन जो किसी ने एक ने मुझसे पूछा भी था बीच में कि हमें g की वैल्यू क्या लेनी है। तो बच्चों यहाँ पे हमें g की वैल्यू देखो, यहाँ पे अगर मैं g की वैल्यू 9.8 लेता तो ये सॉल्व ना हो पाता है ना, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता ना। तो हमें इंटेलिजेंटली खुद सोच के लेनी है g की वैल्यू, कि अगर वो वैल्यू लो जिससे पूरा कट जाए, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है ना वो पूरी कट जाए। अगर सपोज मैं यहाँ पे हाइट आपको 4.9 देता, 4.9 मीटर, तो 2 इंटू 4.9 9.8 बन जाता, तो मुझे g की वैल्यू 9.8 लेनी थी। ठीक है, तो आपको इस चीज की आदत पड़ जाएगी कुछ टाइम बाद कि g की वैल्यू क्या लेनी है, वो प्रैक्टिस के साथ उन लोगों को पता लगने लग जाएगा कि अगर वैल्यूज डेसिमल वगैरह में दे रखी हैं, मतलब कि g की वैल्यू अगर 9.8 लेंगे तब पूरा नंबर कटेगा, तो 9.8 लेना, अदरवाइज 10 लेना। ठीक है, तो वैसे हम इसको कर सकते हैं। यस ऑब्वियसली वी कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन एज वेल, कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन अप्लाई थर्ड इक्वेशन एज वेल। सर सर थर्ड इक्वेशन में अगर लगाएंगे तो एक्सेलरेशन और हाइट दोनों को नेगेटिव लिखेंगे। यस लेंगे, ऐसे मैं लगा के दिखा देता हूं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, इनिशियल 0 2, एक्सेलरेशन माइनस 10 और डिस्प्लेसमेंट है यहां पे, इट इज नॉट हाइट, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h, डिस्प्लेसमेंट इज माइनस h, इट इज माइनस 5। ठीक, क्या बन जाएगा मेरे पास 100 v स्क्वायर। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आएगी यहां पे, अगर v स्क्वायर 100 है तो v क्या आएगा? 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस, बच्चों यहां पे आएगा प्लस माइनस, ये पता है ना तुम लोगों को? यस सर। दो रूट्स होते हैं ना, प्लस और माइनस, तो ये आएगा प्लस माइनस, और इनमें से हम प्लस लेंगे माइनस लेंगे, माइनस तुम लोगों का क्लास का टाइम जो है वो खत्म हो गया है, तो कोई बात नहीं, आज हमने बहुत डिटेल में इस टॉपिक को खत्म कर लिया है। क्या एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जाने से पहले? सर नहीं होगा, तुम्हारी क्लास भी है ना, मेरी भी है 11:35 पे, तो अच्छा फिर ठीक है सर, है ना, हम कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में अभी थोड़े क्वेश्चन और करेंगे, 3-4-5 क्वेश्चंस और करेंगे, उसके बाद तुम लोगों को होमवर्क दूंगा। अभी फॉर द टाइम बीइंग इस टॉपिक का कोई होमवर्क नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक के मुझे बहुत तरह के क्वेश्चंस कराने हैं तुम लोगों को, तो उसके बाद ही होमवर्क मिलेगा, राइट? तो मैं चाहता हूँ कि ये टॉपिक तुम लोगों का स्ट्रांग हो जाए, तभी तुम लोग इसको खुद ट्राई करो, फिर क्वेश्चंस बहुत आसानी से निकलेंगे। अदरवाइज तुम लोग अभी ट्राई करोगे टेंशन में आ जाओगे अगर क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इस टॉपिक का कोई होमवर्क नहीं है। यू कैन प्रैक्टिस योर इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर द टेस्ट, टेस्ट आ रहा है उसको प्रैक्टिस करो, डाउट्स खूब निकाल लो डाउट्स, और उनको खुद सॉल्व करो, अगर नहीं होते तो यू कैन आस्क मी। डाउट क्लास इसीलिए सैटरडे को रखी गई है ताकि इकट्ठे हो जाए तुम लोगों के डाउट्स और तुम लोग पूछ सको। ठीक है, अगर किसी ने पहले भी पूछना है व्हाट्सएप पे, देन यू आर फ्री टू आस्क, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर, ओके बाय डॉक्टर्स, बाय, थैंक यू सर, बाय।
अभिषेक वेलोसिटी को देखो, यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस at लगाया ना अभिषेक, तो यहाँ पे क्या है, u की वैल्यू क्या थी, जीरो, एक्सेलरेशन इज माइनस 10, टाइम इज 1, ऊपर निकाल चुके हैं हम ऑलरेडी टाइम की वैल्यू, तो उसको यहाँ पे डाल सर, बिना बिना इक्वेशंस के कैसे निकालेंगे, अगर बिना किसी इक्वेशन को यूज करे निकालना है? ना भाई ये तो जादू नहीं है हमारे पास, इक्वेशन तो यूज करनी पड़ेगी। नहीं एक सिंपल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से अगर वेलोसिटी निकालनी है वैसे ये फॉर्मूला ना बच्चों का होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। भाई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, जब बॉडी एक्सेलरेट करती है तो इक्वेशन का मोशन लगती है, ठीक है ना, राइट अभिषेक? ओके सर। हां ये गलती मत करना दोबारा, जब बॉडी में एक्सेलरेशन होती है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं लगाते, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वाला, ठीक है? ओके 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 जी, बाय, गुड बाय। अच्छा प्लस टू वाले हरदात हैं, पहले ज्वाइन करके बैठ गए, ठीक है, फिलहाल के लिए मैं सेशन एंड कर रहा हूँ प्लस टू वालों, तो तुम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना, अभी आई एम एंडिंग द सेशन।